एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नीट 2019 से, पेपर कोड है P1, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोलता है क्वेश्चन? इफ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई। चार एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो के होता है वो होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ए नॉट से बनता है ए, क्या बनता है? इनिशियल कंसंट्रेशन है 100, ठीक है, और टी कब? 99% कंप्लीशन के बाद ये हो जाता है 100 - 99 यूनिट्स और बन जाता है क्या? 1 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है? ये है उसका फाइनल कंसंट्रेशन। बस फॉर्मूले पे पुट करना है, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 1। यही है उनका कंसंट्रेशन, सबसे पहले 100 था, 99 खर्च हो लिया तो बचा गया 100। अब देखिए क्या होगा, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100 को ऐसा लिख सकते हैं, 100 के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10^2। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग 2 log 10। लॉग 10 1 हो गया, तो K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 606.4 अपॉन टी के। देन टी इज इक्वल्स टू 4.606 अपॉन के। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो टी इज इक्वल्स टू 6.06 अपॉन के मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।